Morning children, take out your English grammar workbook. Okay, today we are going to do lesson 15 which is preposition and lesson 16 which is conjunction. So we start with lesson 15 which is preposition. Preposition tells us the position of something. तो preposition हमको क्या बताते हैं? They tell us about the position of something. मतलब कोई चीज कहाँ पर है, कोई ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, एनिमल हो, पर्सन हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। तो ये वर्ड, जो वर्ड हमको ये बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है, वो वर्ड हम उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। दे ऑलवेज कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन। और जो प्रेपोजिशन जो होते हैं वो सेंटेंस में कहाँ पे आते हैं, दे ऑलवेज कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन आपको मालूम है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग, ठीक है, ये आपके नाउन होते हैं। और प्रोनाउन द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, तो उनसे पहले हमारे प्रेपोजिशन आते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली जो प्रेपोजिशन जो होते हैं आपको, वो दो चीजों के बीच का कनेक्शन शो करते हैं। ओके, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। द वाटर इज इन द जग, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, द वाटर इज इन द जग। तो वाटर और जग के बीच में का कनेक्शन कौन सा वर्ड शो कर रहा है, वो हमारा वर्ड इन शो कर रहा है, ठीक है। द वाटर इज इन द जग, और जग क्या है, जग हमारा नाउन है, नाउन से पहले कौन सा वर्ड आया है हमारा, इन। तो इन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। इसका अगर हम इसमें क्वेश्चन अगर पुट करें, वेयर इज द वाटर, तो आप आंसर क्या दोगे, द वाटर इज इन द जग। जो वर्ड आंसर कर रहा है हमारे क्वेश्चन को, वेयर इज द वाटर, वो वर्ड आपका क्या है, इन, ठीक है। तो इन आपका क्या है, इन आपका प्रेपोजिशन है। ओके, अब सेकंड सेंटेंस देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, वेयर इज द बुक। तो आप क्या बताएंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो आपका टेबल नाउन है, बुक भी आपका नाउन है, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन सा वर्ड शो कर रहा है, ऑन, ठीक है। ऑन हमें बता रहा है कि जो बुक है वो कहाँ पे है, उस टेबल पे किस जगह पर है, तो ऑन द टेबल। तो ऑन क्या है आपका, ऑन आपका प्रेपोजिशन है। थर्ड सेंटेंस देखिए, द डॉग इज बिहाइंड द कार, वेयर इज द डॉग। तो आप क्या बताएंगे, बिहाइंड द कार। तो बिहाइंड आपका क्या है, बिहाइंड आपका प्रेपोजिशन है। देन फोर्थ सेंटेंस, हिज शूज आर अंडर द बॉक्स, वेयर आर हिज शूज। तो आप क्या बताएंगे, अंडर द बॉक्स। तो अंडर आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। फिर देखिए, द रेड लाइट इज अबव द येल्लो एंड ग्रीन लाइट, ठीक है। तो जो रेड लाइट है वो कहाँ है, अबव द येल्लो एंड ग्रीन लाइट, वेयर इज द रेड लाइट। तो आप क्या बताएंगे, अबव, अबव द येल्लो एंड ग्रीन लाइट। अबव क्या है आपका, अबव आपका प्रेपोजिशन है। फिर प्रिया इज स्टैंडिंग बिटवीन बिटवीन टू कार्स, तो वेयर इज प्रिया स्टैंडिंग, आपका आंसर क्या होगा, बिटवीन टू कार्स। तो बिटवीन आपका क्या है, बिटवीन आपका प्रेपोजिशन है, और कार आपके क्या है, कार आपका नाउन है, उससे पहले क्या आ रहा है, बिटवीन। तो बिटवीन आपका क्या है, प्रेपोजिशन। ये किसका रिलेशनशिप शो कर रहा है, प्रिया और कार्स के बीच में क्या रिलेशन है वो शो कर रहा है, ठीक है। कौन सा वर्ड, बिटवीन। तो बिटवीन आपका प्रेपोजिशन हो गया। फिर देखिए, ही डाइव्ड इनटू द वाटर। अब इसमें इनटू क्या है, वो कहाँ पे डाइव किया उसने, इनटू, इनटू द वाटर, पानी में उसने गोता लगा, डाइव किया। तो इनटू आपका क्या है, इनटू आपका प्रेपोजिशन है। तो मंकी इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, वेयर इज मंकी क्लाइंबिंग। तो क्या आंसर हो जाएगा, अप द ट्री। तो अप आपका क्या है, अप यहाँ पे आपका क्या है, अप आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है। फिर द स्टोन इज रोल्ड डाउन द हिल, तो इसमें जो स्टोन है वो कहाँ पे रोल्ड किया गया, डाउन द हिल, वेयर हैज द स्टोन बीन रोल्ड। तो आप क्या बताएंगे आंसर, डाउन द हिल। तो डाउन आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। ओके, द बॉय जंपिंग ऑन द सोफा, वेयर द बॉय जंपिंग on the sofa। तो on आपका क्या है, preposition है। फिर देखिए, the preposition in, on, behind, under, above, between, into, up, down are used to show the position of the noun or pronoun। तो ये जो word है आपके, in, on, under, behind, above,
ठीक है, अप डाउन ये सब आपका क्या शो कर रहा है, वो सब आपको शो कर रहा है द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बता रहे हैं। जैसे स्टोन आपका एक क्या है, स्टोन आपका नाउन है, ठीक है, या फिर इसमें मंकी क्या है आपका नाउन है, तो ये इन सब की पोजीशन हमें कौन सा वर्ड बताते हैं, प्रपोजिशन। ओके, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, टेक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अच्छा, अब इसमें आपको जौन सा वर्ड, जौन सा प्रपोजिशन सेंटेंस में सही होगा उस पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो दो दो ऑप्शन आपको दिए हैं, तो जौन सा राइट होगा उस पे आपको टिक कर देना है। तो फर्स्ट क्या है, द कैंडल्स आर ऑन इन द बाउल, तो वेयर आर द कैंडल्स, तो बाउल के ऊपर तो होंगे नहीं, अगर ऊपर होता तो ऑन द बाउल कह देते, तो हम क्या कर देंगे, द कैंडल्स आर इन द बाउल, ठीक है। तो फर्स्ट में आप इन पे टिक कर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, द प्लेट इज ऑन द टेबल, द प्लेट इज, टेबल कहाँ है, द प्लेट इज, आप क्या बोलेंगे, अबव द टेबल नहीं सही रहेगा, आप बोलेंगे द प्लेट इज ऑन द टेबल। तो इसमें ए का फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इन, सेकंड आपका हो जाएगा ऑन, ठीक है, द प्लेट इज ऑन द टेबल। फिर द बुक्स आर, अब बुक्स कहां पे है, बुक्स आपकी बैग के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, द बुक्स आर इन द बैग, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, इन द बैग। ओके, फिर फोर्थ है आपका, द थीफ हाइड बिहाइंड नियर द वॉल, अब देखो थीफ कहां पे छिपा हुआ, थीफ ये दीवार के पीछे छिपा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, द थीफ हाइड बिहाइंड द वॉल, तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, बिहाइंड, बिहाइंड पे आप टिक कर देंगे। ओके, देन फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ है आपका, देयर इज अ मंकी, देयर इज अ मंकी, अब इसमें क्या है, देखिए मंकी कहां पे आपका, मंकी दो कैट्स के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, द देयर इज अ मंकी बिटवीन द टू कैट्स, तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा आपका, बिटवीन कैट्स के बीच में है, ठीक है, तो बिटवीन आपका प्रपोजिशन है। फिर सिक्स देखिए, द बॉल इज ओवर अंडर द चेयर, अब बॉल कहाँ है, वो ऊपर तो है नहीं, वो चेयर के नीचे है, तो क्या हो जाएगा, अंडर द चेयर, तो सिक्स में आप क्या लिख देंगे, अंडर पे टिक कर देंगे। ओके, फिर देखिए सेवेंथ वन, द बॉय जंप्ड अंडर ओवर द फेंस, अब देखिए बॉय कहाँ पे जंप किया, वो फेंस के नीचे से तो जंप करेगा नहीं, जंप मतलब उछलेगा, तो उछलेगा किसी चीज के ऊपर से उछलेगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, द बॉय जंप ओवर द फेंस, तो सिक्स सेवेंथ आपका हो जाएगा, आप ओवर पे टिक कर देंगे, जो बॉय जंप ओवर द फेंस। फिर एट्थ वन, द पुलिस इज रनिंग आफ्टर बिफोर द थीफ, अब जो पुलिस है वो कहाँ, उसके चोर के पीछे पीछे भागेगी ना, आफ्टर द बिफोर उसके आगे के थोड़ी भागेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ, तो एट आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर आपका क्या है, प्रपोजिशन है, आफ्टर बिफोर ये सब आपका क्या है, प्रपोजिशन है। नाइन्थ फिर क्या है, जैक एंड जिल वेंट ओवर द हिल, तो इसमें ओवर होगा कि अप होगा, तो इसमें जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, हिल के ऊपर चढ़े ना, तो क्या हो जाएगा, अप द हिल, वेंट अप द हिल, तो नाइन्थ आपका क्या हो जाएगा, अप द हिल। फिर टेंथ वन देखिए, टेंथ है आपका, मिस यमी क्वाइटली स्लेप्ट इन इनटू द बेडरूम, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिस यमी क्वाइटली स्लेप्ट इन द बेडरूम, इन द बेडरूम, ठीक है। फिर ये बस आपके 10 तक है, ठीक है। फिर आपकी बी एक्सरसाइज है, बी में क्या करना है, कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन, अंडर, अबव, बिहाइंड, नियर और बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, इन 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 प्रपोजिशन की हेल्प से, इन, ऑन, अंडर, अबव, बिहाइंड, नियर और बिटवीन, ठीक है।
तो इसमें हम यहां से रीड करते हैं, दिस इज अ सीन ऑफ अ ड्रॉइंग रूम। ओके, अब सानिया इज सिटिंग। हाँ, अब देखिए सानिया है, तो सानिया कहाँ पे सिटिंग है? सानिया देखिए गर्ल का नेम है और ये दो बॉय हैं, तो क्या हो जाएगा, सानिया इज सिटिंग बिटवीन रोहित एंड मोहित। तो बी में आपका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बिटवीन। फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या लिख देंगे, बिटवीन। उसमें नंबरिंग नहीं है बेटा, लेकिन हम जो ब्लैंक जिस नंबर पे आ रहा है उस हिसाब से हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट ब्लैंक आया आपका, उसमें आप क्या लिख देंगे, बिटवीन, बिटवीन रोहित एंड मोहित। अब बुक कहाँ पे है? अब देखिए बुक कहाँ पे है, बुक जो है आपकी वो ये जो फूलदानी है उसके नीचे में है ना, तो क्या लिख देंगे, अब बुक इज अंडर द वेज। ओके, तो सेकंड ब्लैंक जो आया उसको क्या हो जाएगा आपका, अंडर। अब बुक इज अंडर द वेज। फिर थर्ड देखिए, अ बुक इज अंडर द वेस। फिर अ बॉल इज, अ बॉल कहाँ पे है? अब देखिए बॉल यहाँ इस सोफे के पीछे में है, बगल में है ना, तो आप क्या लिख देंगे, अ बॉल इज बिहाइंड द सोफा, ठीक है। इसके यहाँ से देखिए तो उसके पीछे में है, तो बिहाइंड द, अ बॉल इज बिहाइंड द सोफा। फिर फोटो फ्रेम इज, अब फोटो फ्रेम कहाँ है, फोटो फ्रेम आपकी, अब फोटो फ्रेम इज ऑन द सोफा, फोटो, हाँ, अब फोटो फ्रेम देखिए यहाँ ऊपर में लगी हुई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब फोटो फ्रेम इज अबव द सोफा, सोफे के ऊपर में है ना, तो आप फोर्थ में क्या हो जाएगा, अब फोटो फ्रेम इज अबव द सोफा। ओके, फिर द फ्लावर्स आर, अब फ्लावर्स कहाँ है, वो वेस के अंदर है ना, तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स आर इन द वेस। फिफ्थ में, फिफ्थ ब्लैंक में आप क्या लिख देंगे, इन द फ्लावर्स आर इन द वेस। फिर अ कैट इज, अब कैट कहाँ पे है, कैट देखिए टेबल पे बैठी है, तो आप क्या लिख देंगे, अ कैट इज ऑन द टेबल, अ कैट इज ऑन द टेबल। ओके, तो इस तरीके से ये आपका पैराग्राफ ओवर हो गया। अब सी एक्सरसाइज है आपकी, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट प्रपोजिशन। इसमें भी आपको हर सेंटेंस में थ्री ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो भी आपको प्रपोजिशन सही है उस पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द पैरेट इज, अब पैरेट कहाँ पे है, वो केज के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, द पैरेट इज इन द केज, ठीक है। तो ये सी एक्सरसाइज है, सी का फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, इन द केज, आप इन पे टिक कर दीजिएगा। फिर सेकंड देखिए क्या है, द गर्ल इज द ट्री, अब गर्ल कहाँ है, वो ट्री के नीचे में है ना, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल इज अंडर द ट्री। द गर्ल इज अंडर द ट्री। ओके, फिर थर्ड है, द बॉय इज, अब बॉय कहाँ है, द बॉय जो है वो हाउस के सामने खड़ा हुआ है, तो क्या क्या आप लिख देंगे, द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, इन फ्रंट ऑफ, घर के सामने खड़ा हुआ है ना, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। ओके, वो पोजिशन बता रहा है बॉय की हाउस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। द बॉय इन फ्रंट द ट्रेन इज, अब ट्रेन कहाँ है, वो एक पुल के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज, हाँ, द ट्रेन इज ओवर द ब्रिज। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज ओवर द ब्रिज। ओके, फिर फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ है आपका, देयर इज अ लैम्प, अब लैम्प कहाँ है, वो टेबल के ऊपर है, तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज अ लैम्प ऑन द टेबल। फिफ्थ में आप क्या लिख देंगे, ऑन द टेबल। ओके, फिर सिक्स है, द हाउस इज, अब हाउस कहाँ है, ये दो बड़े से पेड़ हैं उनके बीच में हाउस है, तो द हाउस इज बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ना बिहाइंड है ना इन फ्रंट ऑफ है, वो कहाँ है, द हाउस इज बिटवीन द ट्री, तो आप बिटवीन पे टिक कर देंगे, द हाउस इज बिटवीन
ट्रीज। ओके बिटवीन पे आप टिक कर देंगे, द हाउस इज बिटवीन द ट्रीज। तो ये आपकी प्रेपोजिशन का चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है। ये लेसन 15 था आपका, प्रेपोजिशन था। ओके तो ये एक्सरसाइज बेटा आप लोग कर लीजिएगा, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, बहुत इजी है ना। प्रेपोजिशन आपने पहले भी पढ़ा है। अब हम करेंगे लेसन 16 विच इज कंजंक्शंस, ठीक है। अ कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन बेटा आपके पार्ट ऑफ स्पीच में वो वर्ड होते हैं जो कि सेंटेंस, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। अगर दो अलग अलग सेंटेंस हो, उनको हमको कंबाइन करना हो, तो हम विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस उनको हम जोड़ देते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। अ कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जो 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 वो क्या करते हैं, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। कंजंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन को ही हम लोग जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए, आई लाइक कॉफी, माई वाइफ लाइक्स टी। तो मुझे कॉफी पसंद है पर मेरी वाइफ को टी पसंद है, ठीक है। तो आई लाइक कॉफी में दो सेंटेंस है, आई लाइक कॉफी फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माई वाइफ लाइक्स टी। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, तो कैसे सेंटेंस बन गया, आई लाइक कॉफी बट माई वाइफ लाइक्स टी। अब ये एक सेंटेंस बन गया, तो क्या हुआ, आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, लेकिन बट मीन्स लेकिन, लेकिन मेरी वाइफ को टी पसंद है, चाय पसंद है, ठीक है। तो बट आपका क्या है, बट आपका कंजंक्शन है, यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड है। ये दो सेंटेंस को इसने क्या किया, दो सेंटेंस को एक ही में ज्वाइन कर दिया और हमारा एक ही सेंटेंस बन गया। ओके अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बस स्टॉप द मैन गॉट ऑफ। तो इसको हमने कैसे ज्वाइन किया, द बस स्टॉप एंड द मैन गॉट ऑफ। तो बस रुकी और जो मैन था वो उतर गया। पहले पहले दो सेंटेंस कैसे थे कि बस रुकी, फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, मैन एक आदमी उतर गया। अब जो हमने ज्वाइन करके कैसे कर दिया कि द बस स्टॉप्ड, बस रुकी और आदमी जो था वो उतर गया, ठीक है। द बस स्टॉप एंड द मैन गॉट ऑफ। फिर थर्ड देखिए, डू यू वॉन्ट टू गो बाई बस, डू यू वॉन्ट टू गो बाई कार। अब दो सेंटेंस है, डू यू वॉन्ट टू गो बाई बस, Do you want to go by car? तो इसको कैसे हमने join किया? Do you want to go by bus or car? अब और से हमने क्या कर दिया? कि क्या आप बस से जाना पसंद करेंगे या कार से? ठीक है? तो पहले क्या था? दो सेंटेंस थे। Do you want to go by bus? फिर क्वेश्चन मार्क आ गया था। ठीक है? वहाँ पे सेंटेंस हमारा खत्म हो गया था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? Do you want to go by car? फिर वहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क आ गया था और सेंटेंस खत्म हो गया। अब हमारा एक ही क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन गया, क्या, Do you want to go by bus or car? कि आप बस या कार किससे जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो आपका और क्या है, और आपका joining word है, यानी कि conjunction है। फिर हाँ यहाँ क्या दिया, the words but and are conjunction। तो इन सेंटेंस में क्या, but and और ये क्या है, आपके conjunction है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको सही कंजंक्शंस पे टिक लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, द एलिफेंट इज बिग, द कैट इज स्मॉल। तो इसका आप कैसे लगेंगे, अब देखिए ये अपोजिट सेंटेंस हो गए, द एलिफेंट इज बिग, इसमें तो एंड आप कर नहीं सकते, एंड द कैट इज स्मॉल, इसका कोई सेंस ठीक से सेंस नहीं निकला। तो इसका जब ये अपोजिट सेंटेंस हो जाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि द एलिफेंट इज बिग बट द कैट इज स्मॉल। तो इसमें फर्स्ट का आपका क्या आ जाएगा, ए का फर्स्ट में आप क्या कर देंगे, द एलिफेंट इज बिग बट द कैट इज स्मॉल, लेकिन जो कैट होती है वो छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें आप बट पे टिक कर देंगे। फिर सेकेंड है आपका, मीना इज टॉल
रिचा इज शॉर्ट। अब ये भी देखिए अपोजिट सेंटेंस हो रहे हैं, एक टॉल के बारे में बात हो रही है, एक शॉर्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप फिर से बट का यूज करेंगे कि मीना इज टॉल बट रिचा इज शॉर्ट, तो सेकंड में फिर से आप बट का ही यूज करेंगे। ओके बेटा, फिर थर्ड देखिए, रीता स्पीक इंग्लिश स्पेनिश, तो रीता स्पीक इंग्लिश एंड स्पेनिश, वो इंग्लिश भी बोल लेती है और एंड स्पेनिश भी बोल लेती है, रीता स्पीक इंग्लिश एंड स्पेनिश, तो थर्ड में आपका क्या हो जाएगा एंड। ओके, फिर फोर्थ देखिए क्या है आपका, डू यू वर्क क्वाइटली गो आउटसाइड, हाँ तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी डू योर वर्क क्वाइटली और गो आउटसाइड, मतलब या तो तुम अपना काम शांति से करो या बाहर चले जाओ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डू योर वर्क क्वाइटली और गो आउटसाइड, तो फोर्थ में आपका कौन सा कंजंक्शन आएगा, और। ओके, फिर फिफ्थ वन देखिए, इज द बकेट फुल ऑफ फ्रूट्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, अब आपको मालूम नहीं है कि बकेट में फ्रूट्स हैं कि वेजिटेबल हैं, तो आप क्या पूछेंगे सेंटेंस, इज द बकेट फुल ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रूट से फुल है या वेजिटेबल से फुल है, तो फिफ्थ में कौन सा जॉइनिंग वर्ड होगा आपका, और। ओके, फिर सिक्स्थ है, विल यू ईट एन एप्पल और बनाना, तुम एप्पल खाओगे या बनाना खाओगे, तो सिक्स्थ में भी आपका कंजंक्शन क्या हो जाएगा आपका, और, विल यू ईट एप्पल और बनाना या बनाना खाओगे। फिर नेक्स्ट है देखिए, जेम्स वर्क हार्ड हिज ब्रदर इज लेजी, तो अब इसमें क्या है, एक हार्ड वर्क कर रहा है और दूसरा लेजी आलसी है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए, तो इसमें आप कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, बट यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, जेम्स वर्क हार्ड बट हिज ब्रदर इज लेजी, तो बट पे आप टिक लगा देंगे। ओके, एट्थ वन देखिए, द सीप, अब द सीप एंड गोट आर ग्रेजिंग, ठीक है, जो गाय और ये सॉरी गोट और सीप क्या कर रहे हैं, वो घास चर रहे हैं, तो ग्रेजिंग, तो इसमें क्या होगा, द सीप एंड गोट आर ग्रेजिंग, तो इसमें कौन सा एंड आपका कंजंक्शन रहेगा। अब आपकी बी एक्सरसाइज आती है, इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट, इसमें भी आपको इन्हीं तीन कंजेक्शन दिए हैं, कौन कौन से, विथ एंड और बट, तो इन्हीं तीनों इन्हीं चार से एंड और बट, तो इन्हीं तीनों से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट है आपका, द मैंगो इज स्वीट, मैंगो स्वीट होता है और एंड लार्ज, तो इसमें और एंड आएगा, ठीक है, द मैंगो इज स्वीट एंड लार्ज, तो बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा एंड आपका कह दिया, द मैंगो इज स्वीट एंड लार्ज। फिर सेकंड है आपका, वी कैन गो बाय द बस वी कैन वॉक और वी कैन वॉक, या तो हम लोग बस से जा सकते हैं या हम लोग वॉक कर सकते हैं या पैदल जा सकते हैं, तो इसमें या आएगा आपका, तो यानी कि और आपका जॉइनिंग वर्ड्स कौन सा होगा आपका, और। ओके, थर्ड वन देखिए, शीतल सैट ऑन द चेयर, शीतल सैट ऑन द चेयर एंड रोट द स्टोरी, शीतल क्या थी, वो चेयर पे बैठी और उसने स्टोरी लिखी, तो यहाँ पे कौन सा जॉइनिंग वर्ड आपका आएगा, एंड, थर्ड में आप लिख देंगे एंड, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है आपका, स्पाइडर, अब स्पाइडर बटरफ्लाई आर इंसेक्ट्स, तो ये दोनों ही इंसेक्ट होते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्पाइडर और बटरफ्लाई आर इंसेक्ट, तो यहाँ पे कौन सा आपका जॉइनिंग वर्ड आएगा, एंड, स्पाइडर एंड बटरफ्लाई आर इंसेक्ट्स। फिर फिफ्थ क्या है, इज इट अ न्यू हाउस, ये क्या नया घर है, तो इसमें दूसरा क्या, और एन ओल्ड हाउस, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्या ये नया घर है या ये पुराना घर है, तो आपका कौन सा कंजंक्शन आएगा, या, तो या आपका क्या हो गया, और, तो आपका जॉइनिंग वर्ड कौन सा हो गया, और, इज दिस अ न्यू हाउस और एन ओल्ड हाउस,
फिर सिक्स्थ है आपका रैबिट रन फास्ट, टॉर्टोइज वॉक स्लोली। तो अब रैबिट फास्ट आ रहा है और इसका अपोजिट टॉर्टोइज है, तो क्या हो जाएगा, रैबिट रन फास्ट बट टॉर्टोइज वॉक स्लोली। तो आपका जॉइनिंग वर्ड कौन सा हो गया, बट। ओके, सेवेंथ इज रिया सिया आर सिस्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों बहनें हैं, तो रिया और सिया आर सिस्टर। तो क्या लिखेंगे आप, रिया एंड सिया आर सिस्टर। ज्वाइनिंग वर्ड आपका कंजंक्शन क्या है, एंड। ओके, ट्वेल्थ बस आपका ये यहीं तक था, सेवेंथ तक। फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज सी है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। फिर से आपको एंड और बट से ही इन ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इसमें आपको लाइन से जहाँ पे जोन सा कंजंक्शन सही होगा वो आपको इसमें फिल कर देना है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज सी है। ओके, तो हम बेटा जिस हिसाब से ब्लैंक आ रहा है उसी हिसाब से हम नंबरिंग करते हुए उस पर लिख देंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट वाला क्या है आपका, फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट में द गर्ल इज यंग, गर्ल यंग है और क्या है, एंड प्रेटी, और प्रेटी है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले में एंड प्रेटी, फर्स्ट सी का फर्स्ट, यंग एंड प्रेटी। ओके, उसके बाद द गर्ल इज यंग एंड प्रेटी, सी वेंट टू द मार्केट टू बाय एग्स ब्रेड एंड मिल्क, और मिल्क ना, वो क्या लेने गई, एग लेने गई, ब्रेड लेने गई और दूध लेने गई, एंड मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर पे आपके फिर से एंड ही आएगा। ओके, ठीक है, एंड मिल्क, बट सी हैड ओनली 20 रुपीज विथ हर। तो उसके पास केवल 20 रुपीज थे। द शॉपकीपर सेड दैट इन 20 रुपीज यू कैन बाय ओनली वन ऑफ देम। तो शॉपकीपर ने क्या 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 कहा उससे, कि दैट यू कैन बाय ओनली वन थिंग विथ 20 रुपीज। इन ये जो आप तीन सामान लेने आए उसमें से आप एक ही सामान इस 20 रुपीज से परचेज कर सकते हो, ठीक है। डू यू वॉन्ट एग्स और ब्रेड और मिल्क। तो शॉपकीपर क्या बोलेगा, डू यू वॉन्ट एग्स और ब्रेड और मिल्क। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिर आपका लाइन से और ब्रेड और एग और मिल्क, ठीक है। हाँ, डू यू वॉन्ट एग्स और ब्रेड और मिल्क, सॉरी टू टाइम्स आया ना। तो इस तरीके से आप लाइन से आपका फर्स्ट ब्लैंक में एंड, फिर एंड, देन और। ओके, तो फोर ब्लैंक आप इस तरीके से फिल कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं सी के सेकंड पे, उसमें क्या है, ईशांत इज अ नॉटी बॉय। तो अब देखिए वो नॉटी है तो उसकी सिस्टर सिंसियर है, ये दोनों अपोजिट क्वालिटी हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, बट हिज सिस्टर इज ए सिंसियर गर्ल। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपका क्या आ जाएगा, बट। ईशांत इज अ नॉटी बॉय बट हिज सिस्टर इज सिंसियर, बोथ ईशांत आर इन द सेम। तो अब क्या होगा, बोथ ईशांत एंड हिज सिस्टर आर इन द सेम स्कूल। तो सेकेंड वाले ब्लैंक में आप क्या लिख देंगे, एंड, ठीक है, आर इन द सेम स्कूल। देन ईशान लाइक्स टू प्ले फुटबॉल बट हिज सिस्टर लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन। तो थर्ड ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे, कि ईशान को फुटबॉल खेलना पसंद है बट, लेकिन उसकी सिस्टर को क्या खेलना पसंद है, उसे बैडमिंटन खेलना पसंद है, बट हर सिस्टर लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन। वन डे हिज मदर सेट टू हिम डू योर होमवर्क। हाँ, एक दिन उसकी ईशांत की मदर ने क्या कहा, डू योर होमवर्क, और या तो तुम अपना होमवर्क कर लो, फिर कौन सा वर्ड आएगा, और यू विल बी पनिश्ड। तो फोर्थ ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे, और या फिर तुम्हें सजा मिलेगी, और यू विल बी पनिश्ड। अब हम लोग थर्ड पे आते हैं, थर्ड देखिए, द पिकॉक इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड डैश इट्स फीट्स आर अग्ली। एक जो जो पिकॉक होती है वो बहुत ही सुंदर बर्ड होती है,
लेकिन अब देखिए फिर यहाँ पे ब्यूटीफुल आया, यहाँ पे अगली आया, अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन से यूज करेंगे हम लोग, बट इट्स फीट आर अगली, लेकिन उसके जो पैर होते हैं वो सुंदर नहीं होते, बदसूरत होते हैं, ठीक है, बट इट्स फीट आर अगली, इट हैज लॉन्ग लेग्स, उसके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं एंड अ क्राउन, और एक मुकुट होता है, क्राउन होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एंड अ क्राउन, ठीक है, इट इज जनरली फाउंड इन फील्ड्स एंड गार्डन, तो वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, फील्ड और गार्डन में पाई जाती है, इन फील्ड्स एंड गार्डन, दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर एंड एनिमीज ऑफ द इंसेक्ट, वो किसकी, दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, बट अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड आ रहा है और यहाँ एनिमीज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दे आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर बट एनिमीज ऑफ द इंसेक्ट, एनिमीज कैसे हो जाती है, क्योंकि वो इंसेक्ट को खा जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके, थर्ड आपका हो गया। अब हम आते हैं डी एक्सरसाइज पर, डी क्या है, ज्वाइन द दी टू सेंटेंस बाय यूजिंग एंड और बट, अब आपको बेटा दो सेंटेंस दिए हुए हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एंड एंड की हेल्प से या और की हेल्प से या फिर बट की हेल्प से आपको इन सेंटेंस को ज्वाइन करना है, जो भी करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड होगा उसी की हेल्प से आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट मैंगो, आई वॉन्ट टू ईट अ बनाना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू ईट मैंगो एंड बनाना, तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, डीम का फर्स्ट आई वॉन्ट टू ईट मैंगो एंड बनाना, ओके, अब इसमें बेटा देखिए ये आपके डी एक्सरसाइज है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट है आपका, इसको आपको दो सेंटेंस दिए उनको आपको ज्वाइन करना है, तो फर्स्ट है आपका आई वॉन्ट टू ईट मैंगो, आई वॉन्ट टू ईट अ बनाना, तो इसको आप कैसे ज्वाइन कर देंगे, आई वॉन्ट टू ईट मैंगो एंड बनाना, तो इसको आपने, इसको बेटा सॉरी आप इसमें ईट मैंगो और बनाना भी कर सकते हैं इसको, तो फर्स्ट आप कर दीजिएगा आई वॉन्ट टू ईट मैंगो और बनाना, या फिर मुझे मैंगो, आई वॉन्ट टू ईट मैंगो, आई वॉन्ट टू और बनाना, ओके, फिर सेकेंड है आपका मिस्टर गुहा रन फास्ट, सेकेंड है आपका मिस्टर गुहा रन फास्ट ही वन द रेस, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, मिस्टर गुहा रन फास्ट एंड वन द रेस, मिस्टर गुहा तेज दौड़े और रेस जीत लिए, तो मिस्टर गुहा रन फास्ट एंड वन द रेस, फिर थर्ड है आपका आई बॉट स्टोरी बुक्स, आई बॉट कलरिंग बुक्स, तो इसको आप कैसे ज्वाइन कर देंगे, आई बॉट स्टोरी एंड कलरिंग बुक्स, मैं स्टोरी और कलरिंग बुक्स लेकर के आया, ठीक है, फिर फोर्थ है आपका प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेंसिल, तो इसे इसे आप कैसे ज्वाइन करेंगे, इसमें आपका कंजंक्शन क्या आ जाएगा, और का यूज करेंगे, तो कैसे आप कर देंगे, प्लीज गिव मी अ पेन और पेंसिल, ओके, फिर फिफ्थ है आपका दे वेंट टू द प्ले ग्राउंड, दे प्लेड फुटबॉल, तो दे वेंट टू द प्ले वेंट टू द प्ले ग्राउंड एंड प्लेड फुटबॉल, ओके, तो इसमें आपका कंजंक्शन क्या आ जाएगा, एंड प्लेड फुटबॉल, फिर सिक्स्थ है आपका वी वेंट टू द मार्केट, वी बॉट सम वेजिटेबल्स, तो इसको आप सिक्स को कैसे लिखेंगे, वी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स, और हम लोग कुछ सब्जियां लेके आए, देन सेवेंथ वन माई पेट इज नॉटी, माई फ्रेंड्स पेट इज साई, तो इसमें देखिए नॉटी और इधर साई तो अपोजिट क्वालिटी हो रही है ना, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, सॉरी माई पेट इज नॉटी बट माई फ्रेंड्स पेट इज साई,
साई, तो इसमें आपका कंजंक्शन क्या हो जाएगा, बट का यूज करेंगे आप, ओके, ज्वाइन करने के लिए। फिर एट्थ है आपका महक इज इंटेलिजेंट, अक्षय इज फुलिस। अब फिर से इसमें अपोजिट देखिए कि महक जो है वो इंटेलिजेंट है और अक्षय क्या है, वो फुलिस है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, महक इज इंटेलिजेंट बट अक्षय इज फुलिस। तो आपका ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा, बट। फिर हम आते हैं नाइन्थ पे, नाइन्थ क्या है, ही इज रिच, ही इज नॉट काइंड। फिर रिच और काइंड, तो इसमें आप कैसे लिख देंगे, ही इज रिच, वो अमीर तो है लेकिन ही इज नॉट काइंड, लेकिन वो काइंड नहीं है। तो उसे आप कैसे लिख देंगे, वो मतलब लोगों को कुछ देता विता नहीं है, ठीक है। तो ही इज रिच बट ही इज नॉट काइंड, इसमें आपका बट आपका ज्वाइनिंग वर्ड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपकी ये दो एक्सरसाइज, ये दो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।